अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद इस्लाम। वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लोबल ट्रैवल इस्लाम। तो गाइस, आज के व्लॉग में बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कैसे कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को नादरा की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने मोडर्ना की फ़र्स्ट डोज लेने के बाद ऑन द स्पॉट जो है वो नादरा की साइट से जाकर डेबिट कार्ड से पेमेंट करके फ़र्स्ट डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर लिया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे ऑनलाइन कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नादरा के ऑफिस से भी 100 रुपीज़ पे करके कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो है वो इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप ब्राउज़र गूगल के ब्राउज़र पर www.nims.nadra.gov.pk लिखकर वेबसाइट पोर्टल ओपन करेंगे। उसमें आप सबसे पहले आपसे 5 स्टेप पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जिसमें होगा आपका CNIC नंबर, आपका फुल नेम और आपका पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आप तस्दीक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे टर्म एंड कंडीशंस जो है वो पूछी जाएगी। उसमें आपने बॉटम में बॉक्स के अंदर टिक मार्क करना होगा, जिसे चेक कहते हैं। चेक करके उसके बाद आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे, जिसमें आपको आपसे जो है वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। उसमें आपको बेसिक क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी, CVC कोड, आपका एड्रेस। और इसके बाद आपको 3D कोड सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल पर। वो कोड आपको एंटर करने के बाद पेमेंट का जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद गाइस, थर्ड स्टेप पर आपको रिसीप्ट की जो है वो ऑप्शन मिलेगी कि अगर आप जो आपने पेमेंट की है अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज़, ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर थर्ड स्टेप में कि अगर आप जो है इसकी रिसीप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप उसी वक्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करेंगे, तस्दीक के ऊपर नेक्स्ट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में आपसे जो है वो तमाम डिटेल्स जो है, पार्टिकुलर्स जो है वो रिव्यू के लिए जो है बोला जाएगा। उसमें आप अपना CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, फुल नेम, ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा रीचेक करके जो है वो तस्दीक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो फोर्थ फिफ्थ स्टेप पे आपसे जो है वो डाउनलोड सर्टिफिकेट की ऑप्शन सामने आ जाएगी। आप जब डाउनलोड उसके फिफ्थ स्टेप में फिर आप डाउनलोड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट डोज, या अगर आपने फ़र्स्ट डोज ली है तो फर्स्ट डोज का फुली पार्शली जो है वो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने सेकंड डोज के बाद ये प्रोसेस किया है तो फिर आपको 2 डोज का सर्टिफिकेट जो है उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपको 100 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो गाइस, ये था शॉर्टली तरीका हाउ टू डाउनलोड कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो एक्चुअली काफ़ी दोस्तों की क्यूरीज जो है वो आ रही थी कि इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप सीधे मैसेज के साथ जो है, जो सेंटर वालों ने आपको मैसेज सेंड किया है, और अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेकर आप नादरा के किसी भी नियरेस्ट ऑफिस से जाकर 100 रुपीज़ कैश पे करके तो ये 1 डोज या 2 डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, ताकि इससे अगले आने वाली वीडियो से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।